दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम अनटाइटल एरर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में अनटाइटल्ड एरर दिखा रहा है तो आप उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, मेरे गूगल क्रोम में भी ये एरर दिखा रहा है। मैं यहाँ पर google.com ओपन कर रहा हूँ तो ये अनटाइटल्ड दिखा रहा है। तो इसको आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा पेज ओपन करते हैं youtube.com, यहाँ पर भी अनटाइटल ही दिखा रहा है। तो अब इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस तरह से इस एरर को फिक्स किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। आप सबसे पहले गूगल क्रोम को बंद कर लीजिए। उसके बाद गूगल क्रोम में आपको राइट साइड क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके बाद आपको टारगेट में लास्ट में क्लिक करना है और स्पेस देकर स्मॉल लेटर में हाइफन NO हाइफन सैंड बॉक्स टाइप करना है। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर लीजिए। और अब गूगल क्रोम को ओपन करके देखिए। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर गूगल ओपन हो रहा है और एरर नहीं दिखा रहा है, अनटाइटल एरर यहाँ से दूर हो गया है। मैं अब आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ, youtube.com ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर YouTube भी ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम में से अनटाइटल एरर को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको और लैपटॉप या कंप्यूटर से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।